Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का यूनिट नंबर 3 है वहाँ से लिया गया है और स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 के हम लेक्चर्स फॉर्मली कंप्लीट कर चुके हैं. आज उसके हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज, फिर हम 3.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे और फिर 3.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे. स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा यूनिट नंबर 3 है और इसका नाम है नेटवर्क्स. लेक्चर्स फॉर्मली हम लास्ट लेक्चर के अंदर ख़त्म कर चुके हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे और ये देखेंगे एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी 3.1 एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स हम प्रीवियस जो हमारे यूनिट थे वहाँ भी हम ये काम कर चुके हैं कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और हमने उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आंसर में देना होता है. और हमने उसके लिए कुछ टिप्स जो है वो देखी थी. टिप्स ये थी कि एक तो आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह रीड करना है और फिर ये देखना है कि वो स्टेटमेंट किस एरिया से हमारे ली गई है और फिर उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उन तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड करना है और समझना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑप्शन फर्स्ट आप ऑप्शन देखें और यही अगर आपको सही लगती है आप उसको सिलेक्ट करके आंसर दे दें. पॉसिबल है कि आपका वो आंसर गलत हो जाए. जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगा एक ऑप्शन हमारी ऐसी होगी कि वो लास्ट ऑप्शन सही होगी और उसके साथ उसने ये कहा होगा कि तमाम ऑप्शंस आपकी ठीक है. तो अबव ऑल का मतलब है कि ये तीनों ऑप्शंस ठीक है तो उस केस में आपका आंसर जो है नंबर 4 होगा. आज की मैं एग्जाम्पल भी आपको एक बताऊँगा. तो फॉर्मली आज देखते हैं फिर सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं. आप भी अपनी बुक अपने सामने रख लीजिए और अपना आंसर साथ साथ इसको लिखते जाइए. द आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग स्कीम की बात हो रही है. तो हमने जो लेक्चर लिया था वहां पे आईपी वर्जन 4 का आपने देखा था कितने बिट्स का होता है. याद रखिएगा हमने दो टाइप के आईपी एड्रेसेस देखे थे, आईपी वर्जन 4 और दूसरा आईपी वर्जन 6. तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे पूछा गया आईपी वर्जन 4 के बारे में. अगर यहाँ 6 मेंशन होता तो फिर 6 का दिखना था, लेकिन यहाँ पे 4 के बारे में मेंशन है तो आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट करनी है ऑप्शंस वो आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड करनी है. तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप अगर देखें आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 2, 3 और 4. 31 बाइनरी बिट्स, 29 बाइनरी बिट्स, 32 बाइनरी बिट्स एंड 30 बाइनरी बिट्स. तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि आपका जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है. वो इनफैक्ट आपका 32 बिट्स का होता है. तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को जो है वो सर्कल कर देता हूँ कि 32 बिट्स का आपका होता है. इसको अच्छी तरह याद रखिएगा. और आईपी वर्जन 6 जो आपका होता है वो 128 बिट्स का होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नंबर 2 की. राउटिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट डैश. अब बात है राउटिंग की, कि राउटिंग का जो हमारा लेक्चर था उसको जरा आइडेंटिफाई करें और माइंड में लेके आए कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राउटिंग बेसिकली करती क्या है. राउटिंग के अंदर हमने ये देखा था कि राउटर जो डिवाइस है आपकी वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो पैकेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करती है. विद इन डिवाइसेज नहीं, विद इन नेटवर्क्स आपके जो डिफरेंट जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान पैकेट्स को जो वो ट्रांसफ़र करते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है राउटिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान डेटा सेंड नहीं करती, डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस के दरमियान डेटा जो है वो सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है ये प्रोसेस. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा नेटवर्क. अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास आंसर्स कौन कौन से मौजूद हैं. नंबर 1 इज चैनल, नंबर 2 इज नेटवर्क, नंबर 3 इज पाथ एंड नंबर 4 इज एरिया. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर आएगा, जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नेटवर्क. तो इसको सर्कल कर देंगे. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नंबर 3 पे कि हमारे नंबर 3 पे कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है. लेट्स सी नंबर 3 के ऊपर DICP स्टैंड्स फॉर. जब मैंने लेक्चर आपको दिया था तब भी मैंने आपको कहा था कि इसकी एब्रीवेशन को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है. तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसको पूछा गया है और आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी इसको पूछा जा सकता है. तो DICP स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले तो लास्ट में P है, इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल है. क्योंकि ये हमने देखा था कि जितने भी हमने ऐसे एब्रीवेशन देखी थी उसमें लास्ट में P आता है, उसका मतलब प्रोटोकॉल होता है. तो पहले तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें ये देखिए कि प्रोटोकॉल आखिरी जो वर्ड है आपका वो प्रोटोकॉल है या नहीं.
अगर कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें लास्ट जो आपका वर्ड है वो प्रोटोकॉल नहीं है, तो उसको तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर दें। पहली ऑप्शन है हमारे पास डाटा होस्टिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल, सेकंड इज डायनामिक होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, थर्ड वन इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स आपके तीन ऑप्शन है, तीनों के साथ प्रोटोकॉल तो लाजमी है, तो इसका मतलब अभी हम इसको माइनस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि डी एच सी से क्या बनता है। पी से तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रोटोकॉल है, डी इज डायनामिक, तो डायनामिक का वर्ड आपको जो है पहले उसको देख लेते हैं वो किसके साथ यूज हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका डायनामिक का वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डी यहाँ पे जो है वो डायनामिक को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में डायनामिक का वर्ड यूज हो रहा है, तो अब सेकंड और थर्ड में से देखते हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट आंसर हो सकता है। एच और सी, अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपकी कंप्लीट एब्रीवेशन जो है इसकी बनती है डी एच सी पी की, मीन डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब देखिएगा सेकंड में डायनामिक होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, थर्ड वन इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, लेकिन आपकी जो नंबर थ्री ऑप्शन है वो आपकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, मीन डी एच सी पी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी से कंप्यूटर नहीं बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और फिर ही आई पी एड्रेसेस असाइन होते हैं, और डी आई सी पी क्या करता है डायनेमिकली आपके कंप्यूटर्स को या आपकी डिवाइसेस को आई पी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज़ नंबर थ्री ऑप्शन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नंबर फोर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कवर्स डैश। अब कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे वो प्रोटोकॉल्स आपके क्या कुछ कर सकते हैं, लेट्स सी। नंबर वन इज ऑथेंटिकेशन, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आपका जो भी डाटा सेंड हो या रिसीव हो वो ऑथेंटिकेट हो या ना हो। देन एरर डिटेक्शन, कि कोई एरर है उसको डिटेक्ट किया जाए या ना किया जाए, या उसको उसके बाद नंबर थर्ड पे करेक्शन, कि एरर जो डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अबव ऑल, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा आपके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो कवर्स करते हैं इन तीनों को। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी तमाम ऑप्शंस ठीक होती हैं, तो फिर उस केस में आपने क्या करना होता है। अगर आप पहली ऑप्शन को देखते हैं ऑथेंटिकेशन और आप कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर्स ऑथेंटिकेशन, आप इसको सर्कल करके सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपके ख्याल के मुताबिक तो ये आंसर ठीक होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि आपका नंबर वन भी ऑप्शन ठीक है, नंबर टू भी ऑप्शन ठीक है, और नंबर थ्री ऑप्शन भी ठीक है। तो उस केस में अबव ऑल वाली ऑप्शन जो नंबर फोर पे है, इसका मतलब है कि पहली तीनों ऑप्शंस ठीक है, तो अबव ऑल वाली ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो फिर ही आपको नंबर्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा चारों ऑप्शंस को हमेशा रीड करें, ऐसा नहीं कि एक या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शंस को रीड करने के बाद आप आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें, चारों को एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा। तो इस केस में आपका आंसर नंबर फोर, अबव ऑल। नंबर फाइव, द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द डैश। अब रिसीवर जो है वो क्या किस चीज़ का कैपेबल होता है, क्या चीज़ वो एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटोकॉल, मैसेज, एड्रेस, इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लेक्चर्स याद है तो हमने लेक्चर्स में देखा था कि रिसीवर को हम मैसेज सेंड करते हैं, सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करते हैं रिसीवर को, रिसीवर कैपेबल होना चाहिए मैसेज को रिसीव करने का। तो इसका मतलब है कि द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज आपका जो आंसर आएगा नंबर टू ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs भी आप कहते हैं, और या इसको कहते हैं आपके चूज द करेक्ट ऑप्शंस, के स्टेटमेंट गिवन है और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने उसमें से कोई बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, के स्टेटमेंट आपको गिवन है और उसके अंदर ब्लैंक स्पेस मौजूद है, आपने उसको फिल आउट करना है अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ। देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन, जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट, अ डैश इज अ कंप्यूटर डिवाइस That accesses a service made available by a server. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है इसको अच्छी तरह रीड करें और आइडेंटिफाई करें कि ये स्टेटमेंट आपसे कहना क्या चाह रही है। कई दफ़ा आपको स्टेटमेंट के अंदर से आंसर का या तो हिंट मिल जाता है या एग्जैक्ट आंसर भी कई दफ़ा मिल जाता है। तो अब यहाँ से देखें, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा तो उसका हिंट आप देखिए कि क्या हिंट आपको मिल रहा है आंसर, तो फिर आप वो स्पेसिफिक जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डैश इज अ कंप्यूटर डिवाइस, पहली चीज तो ये कि एक कंप्यूटर डिवाइस के बारे में पूछा गया है। अब डिवाइस के बारे में पूछा गया तो उसके बाद दैट एक्सेसेस अ सर्विस, जो सर्विस एक्सेस करती है
मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर. सर्वर्स मीन सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको एक्सेस करने के लिए कोई कंप्यूटर डिवाइस आप यूज करते हैं. तो यहाँ पे सर्वर का कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया है ये बेसिकली आपके लिए हिंट है. तो सर्वर के साथ जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट. तो क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से पढ़ा था. तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्लाइंट आएगा. अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर. तो आप कीवर्ड से जो कीवर्ड अवेलेबल है आपको उनसे आप हिंट लेके आंसर लिख सकते हैं. तो यहां पे आप आंसर जो लिखेंगे दैट इज क्लाइंट. मैं यहां पे लिख देता हूं. सो अब देखते हैं नंबर टू के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है जिसकी ब्लैंक स्पेस को हमने फिल करना है. लेट्स सी. नंबर टू, डैश अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगेन अपने जो अपने लेक्चर्स लिए थे लेक्चर्स के अंदर आप ये देखेंगे हमने ईमेल के बारे में और न्यूज़ ग्रुप के बारे में कहाँ पे रीड किया था. तो वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी थी, कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ है जो अलाउ करती है यूज़र्स को टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल और न्यूज़ ग्रुप. बेसिकली ये आपके मेल सर्वर्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं मेंशन कर दूंगा मेल सर्वर्स. मेल सर्वर्स. नंबर थ्री, वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज ए डैश सिस्टम. वेब ब्राउजर और वेब सर्वर की बात हो रही है. अगेन सर्वर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. तो सर्वर का जहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो वहाँ पे आपने ये देखना है कहीं आंसर में क्लाइंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस के अंदर जहाँ पे आप सर्वर्स का कॉन्सेप्ट यूज करें वहाँ पे आंसर में आपके क्लाइंट भी यूज होगा. तो यहाँ पे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्वेस्ट करता है, मीन वो रिक्वेस्ट करता है. तो जो रिक्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट का नाम देते हैं. और जो आपको रिप्लाई कर रहा है, जो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है वो वेब सर्वर कहलाता है. और वेब सर्वर आपका सिंपल उसको हम सर्वर भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम होगा, क्योंकि आपका वेब ब्राउजर एज ए क्लाइंट होगा और वेब सर्वर आपका एज ए सर्वर काम करेगा. तो ये क्लाइंट सर्वर जो आपका सिस्टम है वो यहाँ पे यूज हो रहा है. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट स्लैश सर्वर. नंबर फोर, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस डैश एंड डैश फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर. प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है, आपको लेक्चर अगर याद है वहां पे मैंने आपको डिफाइन किया था और बहुत सिंपल एक डेफिनेशन थी कि प्रोटोकॉल डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर. नंबर फाइव, राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल डैश टुगेदर. सिंपल राउटर्स की बात है, राउटर्स का लेक्चर को माइंड में लेके हैं और देखें कि राउटर्स किन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं. राउटर बेसिकली मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. जो हमने बात की थी कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम स्विचेस को या हब को यूज़ कर लेते हैं. लेकिन मल्टीपल नेटवर्क्स को अगर आपने कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम राउटर्स को ही प्रेफर करते हैं और हम राउटर्स को ही हमेशा यूज़ करते हैं. सो राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर. नेटवर्क्स. नंबर सिक्स, एवरी डेटा पैकेट हैज एन डैश एड्रेस. जो भी इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर आपका डेटा पैकेट यूज होता है उस डेटा पैकेट जो उस डेटा पैकेट का कोई ना कोई आईपी एड्रेस जो वो जरूर होता है. मीन वो सोर्स आईपी एड्रेस भी यूज करता है और आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी यूज करता है. सो एवरी डेटा पैकेट हैज एन आईपी एड्रेस. नंबर सेवन, आईपी एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ द डैश फॉर कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट. आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो आपके कन्वर्सेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसका पार्ट लाजमी होती है. तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर आएगा दैट इज प्रोटोकॉल. नंबर एट, ईमेल स्टैंड्स फॉर डैश.
ये बात याद रखिएगा, ईमेल का वर्ड बहुत ज़्यादा हमारी बुक के अंदर यूज़ हुआ है, आपके इस चैप्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया है। तो मेल तो एज इट इज़ है, ई से जो बनता है वो आपने सिर्फ देखना है, ई इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका बनता है ईमेल से, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका एज इट इज, सो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर 9, इन अ नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन डैश। जब भी आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली मीडियम यूज़ करते हैं। मीडियम आपका वाइड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और मीडियम आप मीडियम भी उसको कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मीडियम भी आंसर आ सकता है और कम्युनिकेशन चैनल भी आंसर आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चैनल्स। सो इन नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। अब सुन देखते हैं नंबर 10 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसका हम जो ब्लैंक स्पेस है उसको कैसे फिल आउट कर सकते हैं। लेट्स सी नंबर 10, अ डैश गिव्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर सर्वर का वर्ड आपके स्टेटमेंट के अंदर आता है तो आपने ये देखना कहीं आंसर में क्लाइंट तो नहीं आता। अब यहाँ पे क्लाइंट का वर्ड आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चेक करें कि आंसर में कहीं सर्वर तो नहीं आ रहा, मीन ये हिंट्स है जिसकी बेस पे आप स्पेसिफिक जो या अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो चूज कर सकते हैं और आंसर में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डैश गिव्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। हमने देखा था नेटवर्क के ऊपर जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है, जो रिस्पॉन्स करता है वो सर्वर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, अ डैश गिव्स रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स कौन देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा दैट इज सर्वर, सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग जो आपको अगर स्टेटमेंट गिवन है और कोई ब्लैंक स्पेस आपको दी गई है तो आप उस ब्लैंक स्पेस को इजीली फिल आउट कर सकते हैं। बातें कुछ याद रखने वाली सिर्फ ये होती हैं कि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, उसका एरिया आइडेंटिफाई करें और फिर उस एरिया से जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर है उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल पेश आ रही है तो आप ये देखें कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर आपको हिंट गिवन कहाँ पे है, हिंट को देखें और उसको आइडेंटिफाई करें और उससे फिर आंसर निकालने की कोशिश करें, तो आपका आंसर इंशाल्लाह जो है वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा और आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए और आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। ये स्टूडेंट्स हम जो लेक्चर्स ले चुके हैं उन लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ में इनके आंसर्स आपको इनफैक्ट बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपको जो बुक के अंदर, हमारी जो बुक है उसमें यूनिट नंबर 3 के अंदर जो पेज नंबर्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली इनके बारे में डिटेल मौजूद है मैं आपको वो रेफरेंस के तौर पर बता दूंगा, लेकिन आप लोग ये टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चंस के इन टॉपिक्स को आपने जो स्पेसिफिक हमारे लेक्चर्स हैं उसको सुनिएगा, वहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने आंसर क्या लिखना है। बुक में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद हो तो आपने जो स्पेसिफिक डिटेल लिखनी है वो आपको लेक्चर से मिल जाएगी, तो जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को आप सुनिएगा तो आप इनके आंसर ईजिली लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्क्राइब बस स्टार रिंग एंड मैश टोपोलॉजीज विद अ डायग्राम ऑफ ईच। नेटवर्क टोपोलॉजी का जो लेक्चर हमने लिया है उस लेक्चर के अंदर आप डिटेल से देख सकते हैं कि वहाँ बताया गया था कि टोपोलॉजी क्या होती है, फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क, उसके बाद हमने बस स्टार रिंग और मैश टोपोलॉजीज की फिगर के साथ जो है वो हमने डिटेल देखी थी, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ से आप आंसर इसका ले सकते हैं। अगर आप बुक की बात करते हैं तो आपके जो पेज नंबर 58 और 59 है आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर वहाँ पे इनके आंसर्स मौजूद है, लेकिन अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बुक को ज़रूर पढ़ें लेकिन उसके साथ साथ आप लेक्चर जो स्पेसिफिक टोपोलॉजीज़ का है उसको देखें, वहाँ से आपको आंसर ईजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट इज़ TCP/IP, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर्स विद देयर फंक्शंस। TCP/IP मॉडल जो हमने बात की थी कि हमारा इंटरनेट यूज़ करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, जिसमें हमारी 5 लेयर्स होती हैं, उन 5 लेयर्स को हमने वन बाय वन देखा था कि पाँचों लेयर्स की बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, तो आप जो इसका स्पेसिफिक लेक्चर है उसको ले, वहाँ पे आपका आंसर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप आंसर जो है वो अपने पास लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसका आप एक अपने पास एक रजिस्टर बनाइए या कंप्यूटर के अंदर आप एक फाइल बनाइए, वहाँ पे इसको टाइप कीजिए क्वेश्चंस और उसके बाद आंसर्स, जो मैं रेफरेंस आपको बता रहा हूँ उन रेफरेंसेस से आप आंसर खुद से लिखें। खुद से आंसर लिखने का आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर्स खुद से लिख सकते हैं, आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आपके माइंड में कीवर्ड्स मौजूद होंगे, आप उसे सेंटेंसेस खुद इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह आपको आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। पेज नंबर की बात करते हैं तो 62, 63 और 64 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार ओवर बस टोपोलॉजीज। कहा गया है कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी मीन स्टार के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो बस टोपोलॉजी के अगेंस्ट है वो कौन से है। इसके बारे में भी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का जो लेक्चर था वहाँ मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टार टोपोलॉजी के, जो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस है वो इनफैक्ट बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज है, और इसी तरह आप स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज वो बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस बन जाते हैं। पेज नंबर 58 के ऊपर है, लेकिन मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि जो लेक्चर है हमारा स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का, उस लेक्चर को आप सुनिएगा, वहाँ से आपको इसके डिफरेंसेज है वो ईजिली मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द साइजेस ऑफ आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ दीज बोथ स्टैंडर्ड्स। पेज नंबर 67 पे इसका कंप्लीट आंसर मौजूद है, बट अगेन इसका जो लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर को आप सुनिएगा, वहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट करके ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर दिया था कि आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या होता है, उनके साइजेस क्या क्या है। 32 बिट है का एक है और एक है 128 बिट का, और इसमें जो साइज कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको लेक्चर्स के अंदर मैंने बता दिया था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो यूनिट जो हमारा 3 है नेटवर्क्स का, उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 की बात की सबसे पहले, जिसमें बात की कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है तो हमने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 की हमने बात की कि जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स की, कि स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर कोई आपको ब्लैंक स्पेस दी गई है, आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड वहाँ पे जो है वो पेस्ट करना है और फिर आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। देन लास्ट में हमने एक्सरसाइज 3.4 की बात की जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर्स आपने देने थे, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया कि आप आंसर्स कैसे दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स इसको लाजमी अपने पास लिखिएगा आंसर्स को, ताकि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम्स दें तो आपके पास ऑलरेडी आंसर्स मौजूद हो, तो आप इन आंसर्स को ईजिली एक दफ़ा देख लें, गो थ्रू कर लें और कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकें। इसमें एक्सरसाइज 3.3 की मैंने बात नहीं की, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।